नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो लेटेस्ट बैनर जारी किया गया है कमांडर अशोक जी राउत के नेतृत्व में, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कमांडर अशोक जी राउत जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद राष्ट्रीय सचिव। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस बैनर में कहा गया है जो पेंशन बढ़ाने का काम करेगा वही भारत देश में राज करेगा। EPS 95 एजुकेशन कमेटी उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल की तरफ से ये जो लेटेस्ट बैनर है वो जारी किया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि देश के 63 लाख EPS पेंशन धारकों के साथ अन्याय क्यों। दिनांक 27 फरवरी 2019 को प्रातः 11 बजे जंतर मंतर दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री के निवास तक पैदल मार्च। तो यहाँ पर जो है दोस्तों EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो मुख्य मांग है 7,500 प्लस महंगाई भत्ते से कम नहीं, 2019 में या तो ये सरकार रहेगी या हम नहीं, ओम शंकर तिवारी मंडल अध्यक्ष, अमरनाथ माहेश्वरी मंडल सचिव। तो यहाँ पर जो है दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों ने ये जो लेटेस्ट बैनर जारी किया गया है 27 फरवरी 2019 को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए जाने वाले है उसके संदर्भ में, तो इसी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बाकी EPS 95 पेंशन धारक है तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी बाकी पेंशनर्स को भी मिल सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।